नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार में डिप्टी सीएम सुशील मोदी नहीं बनेंगे, करीब करीब इस बात की पुष्टि अब हो चुकी है। राजनाथ सिंह ने भी कहा है कि बिहार में डिप्टी सीएम का चेहरा कौन होगा, कुछ देर में स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन इन सब के बीच अब सुशील मोदी क्या करेंगे, इस पर तरह तरह की चर्चा शुरू है, क्योंकि बिहार में बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक में खुद सुशील मोदी ने ही तारकिशोर प्रसाद के नाम का प्रस्ताव दिया और उस पर मुहर लगी, यानी कि अब बिहार बीजेपी में तारकिशोर प्रसाद विधायक दल के नेता चुने गए हैं। तो ऐसे में अब सुशील मोदी क्या करेंगे, खबर तो यही है कि अब वे डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे, तो अब उनकी क्या जिम्मेदारी होगी, इस पर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन इन डिप्टी सीएम की चर्चा के बीच एक बड़ी खबर यही है, एक बड़ी चर्चा राजनीतिक गलियारे में यही निकल करके सामने आ रही है कि सुशील मोदी को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। वो बड़ी जिम्मेदारी क्या होगी, खबर यही है, चर्चा यही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर हम इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारे में, जो राजनीतिक हलका है, उस हलके में चर्चा यही है कि सुशील मोदी को केंद्र में ले जाने की तैयारी चल रही है। अब जबकि बिहार में डिप्टी सीएम नहीं बनने वाले हैं, ऐसी स्थिति में उनकी जिम्मेदारी तय की गई है और उन्हें केंद्र में लाया जा सकता है। तो वे केंद्र में कैसे जाएंगे, तो इस पर जो खबर आ रही है कि क्योंकि रामविलास पासवान अभी हाल फिलहाल में उनका निधन हुआ है, उनके निधन के बाद चूंकि वे राज्यसभा के सदस्य थे और राज्यसभा सांसद के नाते वे केंद्रीय मंत्रिमंडल में थे, अब वो सीट चूंकि उनका निधन हो गया है, ऐसे में वह सीट अब खाली है। बीजेपी जेडीयू आसानी से वो सीट जीत लेगी राज्यसभा में, तो ऐसी स्थिति में वह जो खाली हुई सीट है, यानी कि जो राज्यसभा बिहार से जो राज्यसभा की एक सीट खाली हुई है, उस सीट पर सुशील मोदी को चुना जाएगा, उन्हें राज्यसभा भेज करके केंद्रीय सरकार यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल में बड़ी जगह दी जा सकती है, क्योंकि वे इतने दिनों तक बिहार के डिप्टी सीएम रहे थे, उनका कद भी बड़ा है, इस लिहाज से उन्हें राज्यसभा भेज करके केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। इसको लेकर के तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, चर्चा अंदर खाने में यही शुरू है कि सुशील मोदी अब बिहार की राजनीति की बजाय केंद्र की राजनीति करेंगे और केंद्र में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी जगह दी जा सकती है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। राजनाथ सिंह खुद कह चुके हैं कि बिहार में डिप्टी सीएम का चेहरे का ऐलान, उस पर से पर्दा बहुत जल्द उठने वाला है। बिहार के जो प्रस्तावित जो मुख्यमंत्री, यानी कि कल जो शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उन्होंने भी डिप्टी सीएम के सवाल पर कहा कि बहुत जल्द इसके बारे में आप सब तमाम लोगों को पता चल जाएगा। तो इसके बाद अब यह चर्चा शुरू है कि सुशील मोदी को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, यानी कि सुशील मोदी क्या बनेंगे, क्या वे केंद्र में मंत्री बनेंगे, राज्यसभा से चुन करके केंद्र में जाएंगे और वहाँ पर केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी, या फिर कोई और दूसरी बड़ी जिम्मेदारी उनको दी जा सकती है। लेकिन इन सब के बीच खबर यही है, उन्हें रामविलास पासवान के निधन के बाद जो खाली हुई सीट थी, उस सीट से राज्यसभा भेजा जाएगा और उसके बाद उन्हें केंद्र में मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। यह खबर राजनीतिक गलियारे से निकल करके सामने आ रही है। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।